स्टार्ट किया जाए भैया। यस सर। सेट में दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए थे ना, थर्ड एक्सरसाइज पे आते हैं। थर्ड एक्सरसाइज पढ़ने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें फिर से एक बार रिवीजन। समुच्चय किसे कहते हैं? सुपरवाइजर। ठीक, एक चीज़ बताना, क्या समुच्चय के अंदर समुच्चय हो सकता है? समुच्चय के अंदर समुच्चय, सुनो ध्यान से, हमने कहा कुछ समुच्चय लिख रहे हैं हम यहाँ पर, कुछ सेट हम यहाँ पर लिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये मान लीजिए कुछ सेट ऐसे लिखे हुए हैं। ठीक है, हम कह रहे हैं कि ऐसा सेट बनाइए जो सिर्फ इवन नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करता हो। एक ऐसा सेट बनाओ जो किसको रिप्रेजेंट करता हो? इवन नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट करता हो, इवन नंबर के ग्रुप को नहीं, इवन नंबर्स के सेट को। तो इसमें से कौन कौन सा सेट उठा के इसमें डालोगे? दो कॉमा चार कॉमा छ कॉमा बस, छ आठ है ही नहीं। क्या ये सेट है कि नहीं है? है। आपने सेट की डेफिनेशन बताई थी कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप ही क्या कहलाता है? समुच्चय सेट कहलाता है। अब हम आप लोगों से पूछें, बताओ इसमें से इवन नंबर का सेट कौन कौन सा है, उसका एक सेट बना दो, उसका भी एक सेट बना दो। तो आपने दो चार छः को उठा के कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया और उसके ऊपर भी कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। तो क्या ये इवन नंबर के सेट का ग्रुप है कि नहीं है? समझ पाए? तो ये क्या हो गया, सेट है कि नहीं है? ये कोई किसी को ऐसा शक इसमें कि ये सेट ही नहीं है सर, सेट के अंदर सेट कैसे आ गया? आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो अंदर एलिमेंट्स लिखने हैं ना। हो सकता है वो एलिमेंट कोई नंबर हो सकता है वो एलिमेंट कोई वेरिएबल हो, ए बी सी डी हो सकता है वो नंबर किसी का नाम हो सकता है वो नंबर कोई समुच्चय ही हो अपने आप में, कोई दिक्कत नहीं। हमने ऐसा कहीं तो कसम खा के लिखा नहीं कि हाँ ये वाला सेट एलिमेंट नहीं बन सकता, बन सकता है ना। तो हमने ये बात समझ में आई, सेट के अंदर भी सेट हो सकता है, लिखा जा सकता है, लिखा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, जैसे अभी मैं एक दूसरे बैच में पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बच्चों से पूछा कि ये बताओ ये एलिमेंट है इसके इस तरफ और इस तरफ क्या क्या लिखा जाता है। तो 90% बच्चों ने जवाब दिया कि सर इधर सेट लिखो और इधर एलिमेंट लिखो। तो हमने कहा ठीक है बेटा, ये तो एकदम सही जवाब है, सही है, इधर सेट लिखेंगे इधर एलिमेंट लिखेंगे। जैसे अगर एक सेट मैं कहूँ ए इज इक्वल 1, 2, 3, 4, 5, तो मैं पूछूँ क्या 5 इज एलिमेंट ऑफ ए, सही है कि गलत है? सही है। ये क्या है ए? सेट, सेट, सेट है ना। 5 क्या है? एलिमेंट। ठीक, इधर एलिमेंट होगा और इधर सेट होगा। लेकिन कुछ लोग इसी चीज़ को ऐसा रट लेते हैं क्या कि इधर कभी भी कर्ली ब्रैकेट नहीं आएगा। मास्टर रटा रहे हैं, मतलब मास्टर क्या, मतलब बच्चे भी रट ही लेते हैं कि इधर कर्ली ब्रैकेट नहीं आएगा, इधर कर्ली ब्रैकेट आएगा या सेट आएगा। अब इस सेट का नाम आपने ए रख दिया है तो यहाँ ए लिख दिया, अदरवाइज यहाँ पूरा कर्ली ब्रैकेट लगा के 1, 2, 3, 4, 5 लिखते और इधर खाली 5 लिखा है। क्या ये बात सही है कि लेफ्ट साइड में कर्ली ब्रैकेट नहीं आ सकता? कैसे आ सकता है? इसी में से उठा लो। अगर मैं कहूँ क्या 2, इस सेट को नाम दे दूँ पी, क्या 2 एलिमेंट है कि नहीं पी का? है। तो पी एक सेट है, समुच्चय है, जिसके अंदर भी समुच्चय लिखे गए हैं। तो ये समुच्चय तत्व की तरह काम करेंगे। तो इसमें से एक तत्व मैंने उठाया यहाँ लिख दिया, क्या एक कर्ली ब्रैकेट में है कि नहीं? है। वैसे तो देखिए समुच्चय है, लेकिन इस समुच्चय में किसका काम कर रहे हैं? तत्व का, एलिमेंट का। तो ये एलिमेंट है पी का, बात सही कि नहीं? ऐसा नहीं रटोगे आप क्या कि एलिमेंट के लेफ्ट साइड में सेट होता है कर्ली ब्रैकेट में और इस साइड में सेट कर्ली ब्रैकेट में नहीं होता? कुछ भी हो सकता है, लॉजिक से याद रखें। बात मेरी समझ में आई? अच्छा, सेट के अंदर भी सेट होता है, ठीक। अब जो टॉपिक है अपना उस पर आते हैं, थर्ड एक्सरसाइज का जो टॉपिक है उस पर डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने कहा 1, 2, 3, 4, 5, ये एक सेट ले लिया और एक दूसरा सेट लिया 1, 2। क्या 1, 2 के सारे एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं? yes,
तो ये कैसे सेट हुए? अगर मैं कहूँ ए और बी कैसे सेट हुए? इक्वल की इक्विवेलेंट हाँ, कुछ नहीं, दोनों नहीं, ना इक्वल ना इक्विवेलेंट, है ना। अच्छा, तो ये कैसे सेट हैं? अगर देखो ए के सारे एलिमेंट बी में मिल रहे हैं लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में, यानी ये मेन सेट है, इसको हम कहते हैं सुपर सेट। क्या कहते हैं? सुपर सेट। ये मेन सेट है और उसी में से निकल के ये सेट बना है, देखो 1 2 उसी में से निकले हैं, तो इसको कहते हैं सब सेट। सब सेट क्या कहते हैं? सब सेट। इसको कहते हैं समुच्चय या मुख्य समुच्चय, और इसको कहते हैं उप समुच्चय। क्या कहते हैं? उप समुच्चय। क्या मेरी बात समझ में आई? ये सुपर सेट, ये सब सेट। नहीं आया? अच्छा देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इसके कम है, इसके क्या हम ऐसे कह सकते हैं ए इज लेस देन बी? तो इसी लेस देन को हम ऐसे बना के लिख देते हैं, तो इसका मतलब हो गया ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी, इसको पढ़ा कैसे जाता है? ए इज सबसेट ऑफ बी। क्लियर? नहीं समझ पाए? तो ये सबसेट का साइन हो गया कि इसमें क्या हो सर जी? स्मार्ट सर की स्मार्ट क्लास। हाँ एकदम। ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक, समझ में आई बात? चलिए और एक एग्जांपल से समझिए। अब यही पढ़ना है, सबसेट ही पढ़ना है थर्ड एक्सरसाइज में, ठीक। जैसे ए इज इक्वल दे दिया 1 3 5 7 9 11, बस इतना ही है, 11 तक है, है ना। बी, बी मैंने कह दिया आपसे 2 3 5, बताओ कौन किसका सबसेट है? मैं लिख रहा हूँ, आप बताइए कौन सा सही है। ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, बताइए कौन सा सही है? ए सबसेट है बी का। आपने कहा ए क्या है? सबसेट है किसका? बी का। क्या ए के सारे एलिमेंट बी में मिल रहे हैं? कहाँ मिल रहे हैं? 7 कहाँ मिल रहे हैं इसमें? नहीं मिल रहे ना, तो आप उल्टा बोल गए। ए सबसेट नहीं है बी का, बी सबसेट है ए का। बी जो निकलेगा किसमें से? ए में से। तो इसका वाइस सेट हुआ ना, ये उप समुच्चय इसका हुआ ये, तो बी सबसेट है ए का। बात कुछ क्लियर हुई? अगर आपने कह दिया ए सबसेट है बी का, तो छोटा समुच्चय कौन हो गया? ए, और बड़ा कौन हो गया? बी। समझ में आई बात? नहीं आई? ठीक। अच्छा एक और एग्जांपल से समझिए। अच्छा ये तो नंबर्स की बात हो गई, चलिए नंबर में एक सेट और समझते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा एग्जांपल बदलते हैं। देखिए जैसे मैं कहूँ 2 4 6 8 10 12, ये सेट को मैंने नाम दे दिया P, और Q एक सेट मैंने बनाया 2 4 6, बताओ कौन सा सही है? P इज सबसेट ऑफ Q या Q इज सबसेट ऑफ P, कौन सा सही है? पहला कि दूसरा? पहला सही है। फिर गलत हो गया। कैसे? P सबसेट है Q का कि Q सबसेट है P का? Q छोटा है ना, तो Q सबसेट बनेगा, छोटा वाला सबसेट बनता है। इनमें से मुख्य समुच्चय कौन है? ऊपर वाला ना, और छोटा समुच्चय कौन है? तो Q इज लेस देन P, तो Q इज सबसेट ऑफ P। नहीं समझ पाए अभी भी? आया? तो ना एक नंबर वाला एग्जांपल और लेते हैं, ठीक। चलो बताना, आया? हमने कहा x इज इक्वल, मतलब x सच दैट x समीकरण x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 का एक शून्यक है, का शून्यक है, ठीक। और दूसरी तरफ हमने लिख दिया, दो सेट बनाए हमने, है ना, कौन कौन सा लिखा? 6 और दूसरा 4। इस सेट का नाम रख दिया A, इस सेट का नाम रख दिया B, और इस सेट का नाम रख दिया C। अब आप लोग बताओ कौन किसका सबसेट है, गलत नहीं बताना इस बार, है ना, इतने एग्जांपल्स में तो, ठीक है। बताओ कौन सा किसका सबसेट है, पहले तो वो समुच्चय लिख लो पूरा, उस समुच्चय का एलिमेंट बनेगा कौन कौन? 6 और 4, है ना, इसका गुणनखंड करोगे
तो माइनस छः और चार बनेगा ना, हमने गड़बड़ लिख दिया, एक मिनट रुक जाइए, इसको माइनस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, है ना। तो इसका कितना बना, माइनस छः और माइनस चार, इसका गुणनखंड करोगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस छः एक्स प्लस चार एक्स प्लस चौबीस बराबर जीरो। तो एक्स प्लस छः और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस चार बराबर जीरो, तो एक्स की दो वैल्यूज आ गई, माइनस छः एंड माइनस फोर, है ना। ठीक, अब बताओ क्या कौन किसका सबसेट है, मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, आप बताना कौन सा सही है। ठीक, ए सबसेट है बी का, मतलब ए सबसेट है सी का, या बी सबसेट है सी का, या सी सबसेट है ए का, सी सबसेट है बी का, इसमें से कौन सा सही है? पहला वाला सही है, पहला वाला सही है। हाँ, ए कितना है, माइनस छः, माइनस छः इसमें मिल रहा है, तो ए सबसेट हो गया इसका, ये कौन है, सी, तो ए इज सबसेट ऑफ सी, ये एकदम सही बात है। बी सबसेट है सी का, बी कितना है, चार, क्या इसमें चार मिल रहा है, तो सबसेट नहीं है ना, तो इसको काट देते हैं, जैसे एलिमेंट काटा था, जैसे एलिमेंट काटा था, हाँ, ये क्या होगा, बी इज नॉट, बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी, बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी, क्लियर। ए सबसेट है सी का, क्या सी भी सबसेट होगा ए का, नहीं, इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं कि ए सबसेट हो गया सी का तो सी भी सबसेट होगा ए का, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है, और ये तो हो ही नहीं सकता, तो कौन सा सही हुआ, ए सबसेट है सी का। तो इससे एक बात और आपको क्लियर होगी इतनी चर्चा से, कि सबसेट नाम का भी एक एलिमेंट होता है और एक सबसेट नहीं है नाम का भी एलिमेंट होता है, क्यों, सबसेट है और सबसेट नहीं है, दोनों टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, क्लियर। नहीं आया, एक एग्जांपल से और बताइएगा, जैसे मैं कह दूं, आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं, ये समुच्चय का सवाल नहीं है, ठीक, ये मैंने ऐसे जनरली पूछ लिया कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं, ठीक। तो चलिए, पहला समुच्चय मैंने बनाया ए, एक्स सच दैट, एक्स कक्षा 11 में पढ़ने वाला छात्र है। सेट बी मैंने लिखा, एक्स सच दैट, एक्स आपके स्कूल का नाम मान लीजिए कुछ है, जैसे क्या लिख दिया जाए, मान लीजिए कुछ मैंने लिख दिया SIC, या छोड़ो आपके स्कूल ही लिख देते हैं, एक्स आपके स्कूल में पढ़ने वाला एक छात्र है, में पढ़ने वाला एक छात्र है, सोच के बताना कौन किसका सबसेट बनेगा, बी सबसेट बनेगा ए का। चलिए पहला आंसर आया बी सबसेट बनेगा ए का, और किसी का आंसर, हाँ दूसरा वही ऑप्शन बनेगा, ए सबसेट है बी का, कौन सा सही है इसमें से, आइए देखते हैं। पहला सही है कि बी सबसेट है का। अब सुनो, आपके स्कूल में पढ़ने वाले छात्र कितने छात्र होंगे, मान लीजिए 100 हैं, 20 मान लो, ABCDEFGHIJKLMNOP ऐसे 20 छात्र मान ली, आपके क्लास में पढ़ने वाले छात्र कौन होंगे, उन्हीं 20 में से तो कोई होगा, जैसे मान लो BCD, नहीं समझ पाए, आपके स्कूल में टोटल 20 छात्र पढ़ रहे हैं, कौन कौन, ABCDEF ऐसे ऐसे 20 लोगों तक गिन लेना, जो होंगे लिख देना। आपकी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र मान लीजिए BCD, पहले तो सोच के बताओ कौन कम होगा, ए कम होगा कि बी कम होगा, ए कम होगा, है ना। और ये जितने छात्र हैं क्या आपके स्कूल में ही पढ़ते हैं, जो कक्षा 11 में पढ़ रहे हैं वो आपके स्कूल में ही तो पढ़ रहे हैं, तो ये सबसेट है इसका, मतलब ए सबसेट है बी का, तो पहला वाला तो गलत हो गया, समझ में आई बात, नहीं समझ में आया, क्या हम बहुत बड़े एग्जांपल उठा रहे हैं, छोटे छोटे उठाने चाहिए, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन से समझो, चलो अब की बार बता लोगे पक्का, चलो हम क्वेश्चन देखते हैं। एक्स इस प्रकार से है कि एक्स परिधि पर स्थित एक बिंदु है, एक्स परिधि पर स्थित एक बिंदु, परिधि किसकी, वृत्त की, अब वो लिखे नहीं है, समझ जाओ इतना, पर स्थित एक बिंदु है, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट मैंने कहा ये सेट है P, और एक सेट दे दिया मैंने Q,
सुनो क्या कह दिया, क्यों, ठीक है ना, x सच दैट कि हाँ x वृत्त के व्यास, वृत्त के व्यास तथा परिधि का प्रतिच्छेद बिंदु है, परिधि का प्रतिच्छेद बिंदु है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, बताओ इसमें से कौन किसका सबसेट होगा, होगा भी कि नहीं होगा। एक पॉइंट और लिखता हूँ, R है ना, R, R लिख देता हूँ, x सच दैट x व्यास पर स्थित एक बिंदु है, व्यास पर स्थित बिंदु है, बताओ कौन सा इसमें किसका सबसेट है। बहुत आसान सवाल है ये, सबसे बड़ा सेट इसमें से कौन होगा बताओ, सबसे बड़ा सेट कौन होगा, पी, क्यों, क्योंकि कह रहा परिधि पर स्थित एक बिंदु है, अगर आपने वृत्त बना दिया तो इसकी परिधि पर कितने बिंदु होंगे, अनंत, तो पी हो गया, अब अनंत बिंदु है, x वृत्त के व्यास तथा परिधि का प्रतिच्छेद बिंदु, आप व्यास बना दो, व्यास और परिधि का प्रतिच्छेद बिंदु, यही दो तो होगा, क्या ये दोनों परिधि पे हैं कि नहीं है, यानी इस वाले सेट के जो एलिमेंट हैं वो वृत्त की परिधि वाले सेट में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, तो क्यू सबसेट हो गया पी का। समझ में नहीं आया, आया ना, अगला, एक्स व्यास पर स्थित एक बिंदु है, व्यास पर तो यहाँ भी एक बिंदु स्थित है, यहाँ भी स्थित है, क्या ये परिधि पे मिल रहे हैं, तो इसका मतलब आर सबसेट नहीं है पी का, समझे, समझ में आया सेट सबसेट, नहीं आया, आया, ये होगी बात किसकी, सेट की और सबसेट की। चलिए इतना हमें लगता है काफ़ी है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक, सेट और सबसेट आप पहचान लोगे, हमें श्योर कर दो, एक क्वेश्चन मैं और बता दूँ, श्योर कर दो कौन सा सेट है सबसेट और कौन सा नहीं है, मुझे लग नहीं रहा तुम्हें आया, बताओ पहले बताओ, ए सब ए बनेगा सब, मतलब इस साइड में कौन रहेगा, ए की बी, इस साइड में कौन रहेगा, जो भी बड़ा सेट दिखेगा ए, हालांकि ये सही रूल है नहीं कि बड़े उठा के लिख दो, वो भी बताऊंगा मैं आगे कैसे होगा, इस साइड में क्या आएगा ए, इस साइड में किसको रखा जाए, पहले बी को रख के चेक कर लें, क्या बी के सारे एलिमेंट ए में मिल रहे हैं, टू मिल रहा है, मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, नहीं मिल रहा, घोषित कर दिया यहीं पर हमने कि बी सबसेट नहीं है ए का। फिर अगले पे चलो, किसकी बात करी, सी की, सी का सारा एलिमेंट मिल रहा है ए में, तो सी सबसेट है ए का, सी सबसेट है ए का। फिर डी की बात करो, डी के सारे एलिमेंट मिल रहे हैं ए में, तो सबसेट है ए का। क्लियर, समझ गए होगे अब तो। चलिए अब आगे चलते हैं, एक सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, जैसे मैं अगर पूछूं क्या ए एक समुच्चय है, ए क्या है, ए, ए बराबर मैंने लिख दिया एक दो तीन, ठीक, एक दो तीन, इसके कितने सबसेट हो सकते हैं, मतलब कौन कौन इसका सबसेट बन सकता है, तो क्या बताइएगा, सिर्फ वन लिख दूँ, क्या इसका सबसेट है कि नहीं है, टू, फिर थ्री, अच्छा वन टू है, टू थ्री, थ्री वन है, वन टू थ्री ये भी तो है, इसके भी सारे एलिमेंट इसमें, यानी ए अपने आप का भी सबसेट है, है, लेकिन कुछ थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी क्या, कि सर इधर भी ए इधर भी ए, क्यों, कौन सा ए किधर, यही नहीं समझ पा रहे हो सर, अभी अभी आपने बताया था ए इज़ लेस देन ए, हाँ तो ये दिक्कत जो महसूस हो रही है, इसीलिए इसको प्रॉपर सबसेट नहीं कहा जाता, इसको इम्प्रॉपर सबसेट तो है, उसको आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि आपने सबसेट की डेफिनेशन ही क्या बनाई, कि एक सेट का एलिमेंट दूसरे में मिल जाए तो सबसेट है, तो वो डेफिनेशन तो ये पूरी कर रहा है ना, डेफिनेशन तो फॉलो कर ही रहा है, इसके सारे एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं, तो ये
इसका सबसेट है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं है, प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो कैसा सबसेट है? सबसेट भी और उसके साथ साथ इक्वल भी है, सबसेट भी और साथ साथ इसको कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है ना। अच्छा, एक सेट के कितने इम्प्रॉपर सबसेट हो सकते हैं? एक तो यही हो जाएगा, एक और होता है फाई। फाई जानते हो? फाई रिक्त समुच्चय, शून्य समुच्चय, नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, कई नाम है। वो सबका उपसमुच्चय होता है। अगर मैं कहूँ कि इसका उपसमुच्चय फाई है कि नहीं है, अब फाई में कुछ है ही नहीं मिलाने को, क्या मिला के देख लें हम इसमें कि एलिमेंट है कि नहीं है? कोई एलिमेंट नहीं उसमें मिलाने, तो आप कह देते हो हाँ हाँ है, समझ रहे हो। फाई सबसेट है किसी भी सेट का। अगर मैं एक सेट लिखूँ 0, 3, 2, पूछूँ बताओ फाई क्या इसका सबसेट है? है, फाई सबका सबसेट है, फाई सबका सबसेट है। थोड़ा देखने में अटपट लगता है, इसीलिए हम कहते हैं फाई जो है ना, ये भी प्रॉपर सबसेट नहीं है। कैसा सबसेट है? इम्प्रॉपर सबसेट। यानी किसी भी सेट के इतने सबसेट बन सकते हैं, इसमें से प्रॉपर कौन से हैं? यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कैसे हैं प्रॉपर। हालांकि एनसीईआरटी इतना ज़्यादा डिस्कशन इस पर करती नहीं है, एनसीईआरटी तो बहुत हल्के लेवल पर चलेगी। जब क्वेश्चन करवाएंगे तो आप देखोगे एकदम हल्के हल्के, एकदम ऐसे ऐसे सवाल है ना, वो प्रॉपर इम्प्रॉपर तो बहुत दूर हम लेके चले गए, इतना बातचीत करती नहीं एनसीईआरटी। ठीक, फिर भी अपना धर्म है बताना, है ना, तो हम बता रहे हैं। तो प्रॉपर सबसेट और ये इम्प्रॉपर सबसेट। कैसे सबसेट? इम्प्रॉपर। अच्छा अच्छा, इसके कितने सबसेट बने, गिन के बताओ। आठ बने? आठ नहीं, टोटल बताओ। अब प्रॉपर इम्प्रॉपर की बात नहीं, खत्म करो। एक बार हमने बता दी ना प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या होता है, अब आप गिनते समय बार बार उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करोगे है ये तो इम्प्रॉपर है, ऐसा नहीं। प्रॉपर इम्प्रॉपर तो हमने आपको पहचानना सिखाया, लेकिन उसके आधार पर आप इसके साथ ऐसा नहीं कि दोनों दर्जे का व्यवहार प्रॉपर नहीं इम्प्रॉपर, ऐसा नहीं करना है। सबको सबसेट मानकर आप चलेंगे। कितने बने? आठ। ध्यान से देखो, क्या है? दो क्यूब के बराबर है, दो क्यूब के बराबर है। और एक चीज़ समझो, जैसे मैं कह दूँ 0 और 1, इसके कितने सबसेट बनेंगे? तो पहला, दूसरा, ब्रैकेट में लिखना है नहीं गड़बड़ हो जाएगा, तीसरा, चौथा, 5, 5, 1, 0, 0, 1, एक ही बात हुई। ठीक, कितने सेट हो गए? 4। क्या है? 2 स्क्वायर के बराबर है। यहाँ एलिमेंट 2 थे तो 2 का स्क्वायर आया, 3 थे तो 2 का क्यूब आया, 4 होंगे तो 2 की घात 4 आएगा, n होंगे तो 2 की घात n आएगा। समझ में आई बात? नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होता है? 2 की पावर कार्डिनल नंबर। 2 की पावर कार्डिनल नंबर पढ़ा है? यस सर। 2 की पावर n, 2 की पावर n नहीं आया, आ गया होगा 2 की पावर n। अगर मैं कहूँ किसी सेट में 5 एलिमेंट्स हैं, है ना, 5 एलिमेंट्स हैं, तो उसके सबसेट्स कितने बनेंगे? सबसेट कितने बनेंगे? 2 की घात 5, 2 की घात 5 32, अरे 2 की घात 5 32, समझे? हाँ, ठीक, चलो फिर।